अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक हर उस शख्स के लिए बहुत अहम है जो कि इंटरेस्ट रखता है इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन एजुकेशन एंड डिफरेंट सेक्टर्स। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की तारीख क्या है? तारीखी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैनेजमेंट का आगाज़ कायनात की इब्तदा के साथ ही हो जाता है, जब इंसान ने अपने सर्वाइवल के लिए मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल किया होगा और उसमें उसने सक्सेस पाई होगी और अपनी लाइफ को सेट किया होगा, तो ये तमाम का तमाम प्रोसेस मैनेजमेंट ही कहलाता है। आफ्टर दैट मैनेजमेंट के वर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर यूज़ किया गया इन 16th century में। फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करता है दैट मैनेजमेंट यूज्ड इन टर्म ऑफ एफिशिएंसी एंड फेवर्स इन 16th century। आफ्टर दैट सर थॉमस मोर यूज्ड दिस टर्म इन हिज राइटिंग्स। मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंगल एस्पेक्ट, इट इज यूज्ड इन सेवरल डिसिप्लिन्स लाइक बिजनेस, इंडस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ। मैनेजमेंट का वर्ड एक सिंगल एस्पेक्ट नहीं रखता, बल्कि यह मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स पे यूज होता है और लोग अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स उसको यूज़ करते हैं इन देयर इंस्टीट्यूशंस। द ओरिजिन ऑफ द एजुकेशनल मैनेजमेंट एज अ फील्ड ऑफ स्टडी बिगिंस इन 20th century एट यूनाइटेड स्टेट्स। आफ्टर दैट यूनाइटेड किंगडम फाउंड दिस वर्ड इन 1960s। आफ्टर दैट हम एजुकेशन में मैनेजमेंट की फील्ड को देखते हैं इन 20th century में। मैनेजमेंट का वर्ड मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में इस्तेमाल होता था, लेकिन एजुकेशन में इसका इस्तेमाल स्टार्ट हुआ है इन अर्ली 20s। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्ड यूज्ड एट यूनाइटेड स्टेट और उसके बाद इस वर्ड को एजुकेशन में यूज़ किया गया यूनाइटेड किंगडम्स इन 1960s में। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिपेयर्स इंडिविजुअल्स टू लर्न अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट टू लीड अदर्स। Number 2, strengthen the personal qualities, skills and interest. Number 3, identifying the areas of weaknesses and make effort to remediate them. Number 4, management helps to identify and utilize the given resources that what can do rather than what cannot. Management ka pehla kirdar ye hai ki usne learn karna hai aur karwana hai self-management ko. Meaning of management, manage karna. सबसे पहले इंडिविजुअल्स को ट्रेन करना कि उन्होंने खुद को किस तरीके से मैनेज करना है, उन्होंने किस तरीके से लीड करना है आफ्टर दैट दूसरों को। जब तक इंसान खुद को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर सकता, उस वक्त तक वो दूसरों को भी लीड नहीं कर सकता। सेकेंड मीनिंग क्या कहता है? दैट मैनेजमेंट स्ट्रेंथन करती है पर्सनल क्वालिटीज़ को, स्किल्स को और इंटरेस्ट को। मैनेजमेंट बेसिकली एक ओवरऑल सेटअप है जो कि हेल्प प्रोवाइड करता है, एड प्रोवाइड करता है, मोटिवेशन प्रोवाइड करता है टू स्ट्रेंथन द पर्सनल क्वालिटीज, स्किल्स एंड इंटरेस्ट। किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग मौजूद हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ही है कि उनकी क्वालिटीज़ जो हैं वो स्किल्ड होती हैं, उनका इंटरेस्ट डिवेलप होता है, और इसके साथ साथ मैनेजमेंट ही है जो कि आइडेंटिफाई करती है एरिया ऑफ वीकनेसेस, और सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करती बल्कि आफ्टर दैट एफर्ट करती है उनको ठीक करने के लिए। मैनेजमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज द गिवन रिसोर्सेज। लास्ट पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट हेल्प करती है कि जितने भी वसाइल आपके पास मौजूद हैं, आपने उनका प्रॉपरली कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर एक गुड मैनेजमेंट की जब बात आती है तो वो इस तरह से देखती है रिसोर्सेज को, दैट व्हाट कैन डू रादर देन व्हाट कैन नॉट डू। हमने पॉसिबल एफर्ट्स को देखना है, हमने उस चीज़ की तरफ नहीं देखना कि हम ये काम नहीं कर सकते, बल्कि हमने ये सोचना है कि इन रिसोर्सेज के साथ वट एवर वी हैव हम किस तरीके से काम को कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इन अ सिंपल टर्म्स। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल द डिसिप्लिन्स ऑलमोस्ट द सेम। हम अभी जितने भी पॉइंट्स को डिस्कस करने लगे हैं वो तमाम फील्ड्स में अमूमन यही पॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं या हम इसी तरीके से मैनेजमेंट के प्रोसेस को डील करते हैं। नंबर वन है, मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन इज द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैन बी ह्यूमन, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल और नेचुरल।
There are different management styles, traditional team and servant. यहाँ क्या बताया गया कि मैनेजमेंट के प्रोसेस में फोर पॉइंट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, उसको डायरेक्ट करना और फिर कंट्रोल करना. इसके अलावा वट एवर द रिसोर्सेज यू हैव, वट एवर द रिसोर्सेज द इंस्टीट्यूट और द ऑर्गेनाइजेशन हैव, उसको प्रॉपर तरीके से आपने कैसे यूज़ करना है. उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज शामिल हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, आपके टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं और नेचुरल रिसोर्सेज. ये तमाम के तमाम रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है. और इसमें हम डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल भी है, टीम भी है और सर्वेंट भी है. फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क क्या है या ये किस तरीके से काम करती है. इन द एकेडमिक डिसिप्लिन मैनेजमेंट वर्क एज फोस्टर टू इम्पार्टिंग द एक्वायर्ड नॉलेज, टू डिवेलप द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क कलेक्टिवली, ट्रेन इन द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स, अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ मैनेजमेंट इन विच कंट्रोलिंग, डीलिंग, यूज ऑफ मटीरियल, टाइम एटसेट्रा. मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क बेस करता है मैनेजर की क्वालिटीज़ पर. और ये किस चीज़ पर फोकस करता है कि जो भी आपके पास नॉलेज है आपने उसे किस तरीके से फर्दर यूज़ करना है इम्प्रूवमेंट के लिए, सक्सेस के लिए. उसके अलावा आपने लोगों में क्या चीज़ डेवलप करनी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो अपने अपने काम बेहतर तरीके से करें जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ रहे हैं या वो पढ़ा रहे हैं या किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं. मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क कोलेक्टिवली, वो आपस में मिलजुल कर काम करना जानते हों. ट्रेन इन द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स, जो भी प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं वो उन्हें सिखाई और बताई जाए. उसके अलावा वो साइंस ऑफ मैनेजमेंट को समझते हों, जिसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल करना, चीज़ों को, लोगों को डील करना, जो भी मटेरियल आपके पास है उसे आपने यूज़ कैसे करना है, अपने टाइम का बेहतर इस्तेमाल करना. दिस इज़ आल्सो द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट. टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी, इन तीन चीज़ों पर फोकस किया जाता है मैनेजमेंट में. अगर आपने इन तीन को प्रॉपर तरीके से इन पर काम किया है तो डेफिनेटली आपका कोई इंस्टीट्यूट हो या ऑर्गेनाइजेशन हो वो ज़रूर सक्सेसफुल होगी. मैनेजमेंट एंड एजुकेशन, एजुकेशनल मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इंटरप्राइज इन विच डिफरेंट रिसोर्सेज आर ब्रॉट टुगेदर एंड मेड अवेलेबल टू अचीव द डिज़ायर गोल्स इन द एजुकेशनल सेटिंग्स. जब हम मैनेजमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं एजुकेशन में तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है कि इसमें वो लोग जो कि रिसोर्सेज हैं, जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जिनमें टीचर्स शामिल हैं, स्टूडेंट्स शामिल हैं, वो सरफेस पर होते हैं. इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज जिनमें आपके पेरेंट्स और कम्युनिटी आती है वो बिहाइंड द सरफेस होते हैं. इन सब ने मिलकर डिज़ायर्ड गोल को जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का है उसको अचीव करना है. टीचर्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेम्बर सर्व्स एज मैनेजर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि तमाम लोग सर्व करते हैं एज अ मैनेजर. और मैनेजर की क्या क्वालिटी है कि उसने किस तरीके से प्रॉपरली मैनेज करना है चीज़ों को, अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को और अपनी कॉस्ट को. अगर आप वो प्रॉपर तरीके से डील करते हैं तब आपका इंस्टीट्यूट सक्सेसफुल होता है. ऑल द मेंबर्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द स्कूल, तमाम के तमाम मेंबर्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं स्कूल के डिसीजंस में. द फंक्शन ऑफ अ स्कूल मैनेजर इज टू मैनेज द बेस्ट फॉर द स्कूल एज वेल एज फॉर द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. स्कूल का मैनेजर, चाहे वो हेड ऑफ द स्कूल है, चाहे वो टीचर है, उसका काम क्या है कि उसने मैनेज करना है बेस्ट तरीके से फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्कूल एज वेल एज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. जो भी वसाइल आपके पास है आपने कुछ किस तरीके से उसको डील करना है, दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ द मैनेजर. इस वीडियो में हमने आज कॉन्सेप्ट देखा है मैनेजमेंट का, उसकी हिस्टोरिकल इब्तदा कहाँ से होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसको एजुकेशन में किस तरीके से इंक्लूड किया गया. आफ्टर दैट इन नेक्स्ट वीडियोज़ वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल अबाउट द रिसोर्सेज,
अबाउट द टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द रोल ऑफ मैनेजर इन द एजुकेशनल मैनेजमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक द वीडियो. डू शेयर विद अदर्स. फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज कीप वॉचिंग माई चैनल कैंडल लाइट. स्टे हैप्पी एंड बी ब्लेस्ड. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.